हे गाइस वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं एमजी एडिट जॉन। सो गाइस आज के एडिटिंग में हम लोग कुछ स्टेप से ग्रीन टोन में फोटो एडिटिंग करना सीखेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो गाइस इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखना है ना, हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। ओके गाइस तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। So guys, सबसे पहले हम अपना Lightroom एप्लीकेशन ओपन करेंगे एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे एंड अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ एंड यहाँ से कोई भी एक फोटो लेता हूँ, जैसे मैं इस वाले फोटो लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स हमारी फोटो Lightroom ऐड हो चुकी, ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हमारी फोटो इस पे क्लिक करेंगे। सो गाइस हमारी फोटो Lightroom एप्लीकेशन में ओपन हो चुकी है एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स सबसे फर्स्ट में जाएंगे हम कलर टूल पे, इस वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर की वैल्यू को करेंगे हम -10 एंड यहाँ से 10 की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स इसे रखते हैं +4 एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। तो वाइब्रेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +15 एंड यहाँ से सेचुरेशन की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो सेचुरेशन की वैल्यू यहाँ से करेंगे हम +13 एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड सबसे पहले स्किन टोन को सही करेंगे। तो उसके लिए जाएंगे हम सेकेंड वाले ऑरेंज कलर पे एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो नेचुरल लगे। तो इसे रखते हैं -8 एंड यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को भी माइनस करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो सही लगे। तो इसे रखते हैं -20 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को करेंगे हम +25 एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स इसकी ह्यू को करेंगे हम +70 एंड यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे हम +100 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +84 एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो इसकी वैल्यू को करेंगे हम +30 एंड यहाँ से सैचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे हम +100 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो में ग्रीन एरिया है वो थोड़ा हाईलाइट लगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को करेंगे हम +90 एंड नेक्स्ट जाते हैं ब्लू कलर पे एंड ब्लू कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को हम माइनस करेंगे। तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -71 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू को करेंगे हम -20 एंड ऊपर से कर देंगे डन। अब हमारी जो ग्रीन टोन है उसे और यूनिक बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए जाएंगे हम ग्रेडिंग का ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जाएंगे हम थर्ड वाला ऑप्शन पे जो कि है हाईलाइट का ऑप्शन। तो गाइस इस पे क्लिक करेंगे एंड अपनी फिंगर की सहायता से फिंगर को स्लाइड करते हुए इसकी ह्यू एंड सैचुरेशन को अपनी फोटो में परफेक्ट रूप से मिलाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसकी ह्यू है 225 एंड सैचुरेशन है 21 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। तो इसे रखते हैं +7 एंड यहाँ से ब्लेंडिंग की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स इसे रखेंगे हम +70 एंड यहाँ से वायलेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो वायलेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +39 एंड ऊपर से कर देंगे डन। सो गाइस जो हमारी फोटो है वो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है, लेकिन इसे हम और अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो उसके लिए जाएंगे हम इफेक्ट का ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स क्लैरिटी की वैल्यू को करेंगे हम +20 एंड यहाँ से DH की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। तो DH की वैल्यू यहाँ से करेंगे हम +6 एंड यहाँ से वीनेट की वैल्यू को हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो वीनेट की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारी जो ग्रीन टोन है वो थोड़ा हाईलाइट ही सही लगती है, ठीक है। तो इसलिए रखते हैं इसे हम -18 एंड यहाँ से मीट पॉइंट की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू को करेंगे हम +60। अब हमारी फोटो को हम स्मूथ करेंगे। तो उसके लिए जाएंगे हम डिटेल का ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। तो इसे रखते हैं +19
एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं, स्मूथ रहे। एंड यहाँ से नीचे कलर नॉइस रिडक्शन, एंड यहाँ से इसकी वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी बैकग्राउंड कलर है वो भी स्मूथ रहे। तो फ्रेंड्स हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारा फोटो ऐसा था एंड आफ्टर कुछ इस टाइप से। तो गाइस आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोगों को एडिटिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर को ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेव्ड डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।